हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में कमल सैनी बीजेपी समर्थित जिला परिषद उम्मीदवारों के लिए टॉनिक का काम कर रही है। ये उम्मीदवार इसे राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियों का परिणाम बता रहे हैं। यही नहीं, इन चुनाव परिणामों से गदगद ये प्रत्याशी इन्हीं परिणामों को जिला परिषद चुनावों में भी दोहराने का दावा कर रहे हैं। नगर परिषद चुनावों में कांग्रेस के बुरी तरह पराजित होने को इन उम्मीदवारों ने जनता द्वारा कांग्रेस का षड्यंत्रकारी चेहरा बेनकाब करना बताया। इसके बाद अब ये उम्मीदवार दोगुने उत्साह से जनता के बीच घर द्वार दस्तक से वोट अपील कर रहे हैं। इनकी माने तो प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नीतियों से खुश है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार कमल सैनी जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी माने तो इन चुनावों में कांग्रेस को अपनी जमीनी हकीकत का पता चल चुका है। लोगों ने विकास को देखते हुए वोटिंग की है और प्रदेश में केंद्र सरकार की नीतियों पर मोहर लगाई है। जनता जान चुकी है कि प्रदेश में विकास कौन करवा रहा है। जयराम सरकार द्वारा इन 3 सालों में करवाए गए विकास कार्यों पर जनता ने मोहर लगाई है। नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनावों के रिजल्ट आए हैं, जिसमें भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पूरे प्रदेश में भी और जिला में भी और विधानसभा हरोली क्षेत्र में भी। जो हमारी जिला परिषद के अंतर्गत साथ में लगती अपने नगर पंचायत है टालीवाल, उसमें भी भाजपा का कब्जा हुआ है। और इसी रिजल्ट के मद्देनज़र आने वाले चुनावों में भाजपा समर्थित जो जिला परिषद में के चुनावों में प्रत्याशी उतरे हैं उनके हौसले बुलंद हुए हैं और एक जो हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है उसका जरूर फायदा मिलेगा। क्योंकि पिछले 3 साल से जो प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की सरकार चल रही है उन्होंने बिना भेदभाव से हर तबके के लिए काम किया, आज उसकी नीतियों पर मोहर लग रही है। और उसी प्रकार केंद्र सरकार भी हर वर्ग के लिए काम कर रही है, उस पर ये मोहर लग रही है। आज जिस प्रकार से आम जनमानस के लिए जो काम हुए हैं उस पर उन्होंने मोहर लगा के भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत दिया है नगर निकाय के चुनावों में। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो प्रत्याशी हैं जिला परिषद के चुनावों में प्रचंड जीत से दर्ज करेंगे। कांग्रेस हमेशा से झूठ की राजनीति करती आई है और सनसनी फैलाती आई है। आज जनता जान चुकी है कि कांग्रेस में कोई दम नहीं है, खोखले वादे करती है। जिस प्रकार से प्रदेश की जयराम सरकार ने और मोदी सरकार ने एक गांव गरीब की सेवा की है, जन जन की सेवा की है, उसको देखते हुए जनता आज जान चुकी है कि जनता का हितैषी कौन है और झूठे वादे करने वाला कौन है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर और जो सरकार की नीतियाँ हैं उन पर मोहर लगा रही है जनता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचंड जीत दर्ज कर रहे हैं।